subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. Salman Khan क्या बोलते हैं आपके acting के बारे में? क्या उन्होंने? अच्छा है, उन्होंने उनको trailer बहुत अच्छा लगा and he said that बहुत अच्छा है, मेहनत करो. और सारे जितने भी industry में तो सब लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी मेहनत है और तुम्हें वो दुआ करते हैं कि तुम्हें वो मिले जो जो तुम चाहते हो. India में आपका सबसे favorite singer कौन है male में? अरिजीत सिंह, one and only. और बहुत बहुत कमाल है. मानी किशोरदा वगैरह मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, पर अरिजीत सिंह मुझे बहुत अच्छा लगता है. उनको क्या चीज़ अलग बनाती है? मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी वॉइस के साथ बहुत ही सुरेल और बहुत ही नोट्स कंपोजर की करेक्ट, उसका इमोशनल कनेक्ट पकड़ना और उनकी मुड़कियों को ना छोड़ना. उस अगर गाने में इंडियन टचेज हैं तो इंडियन रखते हुए इसको कंटेम्प्रेरी रखना. और साथ ही साथ एक 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 मेस्मराइजिंग क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी है. टोनल क्वालिटी के साथ साथ जो कंपोजर ने बनाया उन नोट्स को फॉलो करना, पिकअप सेंस जो होती है, वो जो है नोट्स, वो नोट्स किशोरदा, रफ़ी साहब, सब में वो बात है. इवन सोनू निगम, वेरी वेरी गुड सिंगर, वेरी वेरी गुड सिंगर. क्या बात है, बट अरिजीत इज द मैन. ये बताइए, रहमान साहब, प्रीतम, विशाल शेखर, अमाल मलिक, हिमेश रेशमिया, बेस्ट कंपोजर इंडिया में कौन है? नहीं नहीं, ये सब बात है, सब अपनी अपनी. एक एक नाम ले रहा है, डिप्लोमेटिक मत खलो भाई. फिर तो मैं बोलूंगा विशाल, बिकॉज वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत टैलेंटेड आदमी. उसको क्या स्पेशल बनाता है? बिकॉज वो बहुत अच्छा सिंगर भी है और विशाल शेखर में एक अपनी अपनी एक अलग क्वालिटी है. और सबसे बड़ी बात है कि उनकी कॉम्पोजिशंस में एक एक अलग स्टैंड है. वो स्टैंड उन्होंने अपना बहुत क्लियर चीज़ें करके लिया है. बल्कि मुझे ये, मैं इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू से दैट थोड़े से ज़्यादा ओरिजिनल कंपोजर्स हैं. रानू मंडल को आपने फ्रॉम रेलवे ट्रेन सिंगर से इस मुकाम तक पहुंचाया. उनके साथ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई थी. पहले लता जी ने कहा कि ये मुझसे कॉपी कर रही हैं, फिर आपने दंके की चोट पर रिप्लाई दिया. वो क्या था? ये था कि लता जी का तो वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो लता जी से अगर इंस्पायर्ड हैं तो लता जी का कॉमेंट मुझे लगा कि मिसकंस्ट्रू किया है मीडिया ने, कि दैट शी शुड बी ओरिजिनल. तो वेयर शी इज़ राइट, बिकॉज अगर आप, जैसे मैं कोई सिंगर को बोलता हूँ कि रफ़ी साहब को मत कॉपी कर, तो वो बल्कि अच्छी एडवाइस थी कि भाई आपकी अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी बनानी चाहिए और वो क्वालिटी रानू जी में है. तो वो दोनों चीज़ें मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो लता जी इज़ नॉट इन सिंक विथ रानू जी. शी इज़ सेइंग दैट तुम अच्छा गाते हो लेकिन तुम्हें अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी बनानी चाहिए, सिर्फ मेरे ही गाने नहीं गाने चाहिए. और ये लता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लियर करना चाहूंगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बात सब लोग जान लें कि हम लोग सब लता जी से इंस्पायर्ड तो रहेंगी. हर फीमेल सिंगर बोलते हैं, बड़े से बड़ा सिंगर बोलता है कि वो इंस्पायर्ड है. सो इफ रानू जी इज इंस्पायर्ड, शी विल बी इंस्पायर्ड. बट येस, ओरिजिनल उनको अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए जो वो बना रही है. देखिए, आप, मैं इतने सालों से जानता हूँ, मैं मानता हूँ एक ज़माना था लोग कहते थे हिमेश थोड़े एरोगेंट है. आप एरोगेंट नहीं थे, आप शायद रिजर्व थे. मुझे लगता है आप बिल्कुल इतने खुल गए, यू आर सच अ वार्म अफेक्शनेट ह्यूमन बीइंग. रानू जी से एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ किसी ने जाके पूछा सेल्फी दो, उनका रिएक्शन लोगों को ठीक नहीं लगा. आपने उनसे उस पर बात की? मैंने नहीं की है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पहले उनका रिएक्शन आना चाहिए कि भाई उन्होंने ये बिहेवियर क्यों किया और वो बिहेवियर के बैक स्टोरी क्या है. कभी कभी क्या होता है कि आप एक ही क्लिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पीछे उस इंसान के साथ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, या वो हैंडल नहीं कर पाई है बिकॉज उन्होंने वो दुनिया नहीं देखी एंड शी सडनली बिकम अ स्टार. और इट इज़ बिकॉज एज अ ह्यूमन बींग कोई ऐसा क्यों करेगा. तो मुझे पर्सनली ये लगा कि उनका एक बार कोट आए तो मैं कहूँ और फिर आई वुड बी एबल टू जज. और एक कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी, दूसरी तरफ ये है कि अगर आप सेलिब्रिटी बने हो तो आपको ये सब हैंडल करना पड़ेगा, ट्रोल्स भी आएंगे, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. यू नो व्हाट, जब मैं आपके करियर को देखता हूँ, एक चीज़ है, आप हर चीज़ एक्सेप्ट करते हो और उसके साथ मज़े भी लेते हो. नेसल सिंगिंग हो, यू हर्ड इट, आपने रिएक्ट भी बड़े मज़ेदार स्टाइल में किया. कैप हो, कुछ भी हो, इवन व्हेन यू मेड अ ट्रांजिशन एज एन एक्टर, जो भी कुछ बोलते हैं, यू आर वेरी ईजी इन रिप्लाइंग विथ इट. वो कौन सा एक चीज़ था जो किसी ने आपसे कहा विच यू डिडंट लाइक एंड यू से ऐसा ये गलत था, नहीं कहना चाहिए था? वो बहुत सालों पहले वो जो बात कही थी मुझे कि भाई नाक से गाना, तो इनिशियल स्टेट में मैं जो भड़क गया था, जिससे वो लोगों को एक इम्प्रेशन पड़ गया कि भाई मैं नाक से गा रहा हूँ, तो मुझे इरिटेट हुआ. जो मैंने कहा कि भाई आर डी बर्मन जी भी नाक से गाते थे, तो जिसकी वजह से आशा जी नाराज़ हो गई और फिर मैंने माफ़ी मांगी थी कि भाई आर डी बर्मन जी नाक से अगर गाते थे, मेरा मतलब ये था कि सुरों की जब हाई पिच
अगर कोई सुर लगते हैं तो कभी कोई श्रुतियाँ नेजल हो जाती हैं, बट आई अंडरस्टैंड कि उस वक्त मैं भी नया था, लेकिन जब नेजल सिंगिंग कोई इतना वर्ल्ड वाइड लोगों ने सुपरहिट बना दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे लगता है कि मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। अदरवाइज अब हर्ट वाली पॉइंट ऑफ व्यू ही मैंने बदल दिया है कि भाई किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू, उसे जीतने की कोशिश करो, अपने आप को मोटिवेट करो, इम्प्रूव करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बट इम्प्रूव करो। अब जैसे पिछले परफॉर्मेंस से मेरा ये परफॉर्मेंस 10 times बेटर होना चाहिए, फिटनेस में आई शुड लुक बेटर इफ आई हैव टू बी एन एक्टर, एंड इफ एट ऑल कोई भी चीज़ के लिए किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूँ, मुझे क्योंकि वो उनका डिफेंस मुझे आगे लेके जाने से रोकेगा, मुझे उनका मोटिवेशन, अगर वो मोटिवेट करता है उनकी कोई बात तो वो अच्छा है, बट इस फिल्म में आई वॉन्ट टू कंप्लीटली एंड द डिबेट एंड रियली विन देम ओवर। अरे यू विल विन देम ओवर क्योंकि आप लगे रहे हो, आप वो टेस्ट मैच वाले बैट्समैन हो। विद द फिल्म आल्सो, क्या आप और सलमान अभी भी हैंग आउट करते हो एक साथ कभी कभी? हैंग आउट तो वो तो मेरे भाई हैं, तो मैं तो जब चाहिए उनको मिलने चले जाता हूँ, उनसे एडवाइस लेता हूँ, जो एडवाइस उन्होंने मुझे पहले भी दी थी कि 10, 15, 20, 50, 60 गाने सब हिट देते हैं, तो मेहनत तुम और हिट्स दो, और उनकी वजह से मैं गाने पे गाना, एवरी डे गाना एक बनाना ही है मुझे, और रोज एक गाना बनाते हैं। लास्ट 4 साल में 700 गाने बन चुके हैं, बहुत मेहनत की है, तो वो इंस्पायर करते हैं और उनसे एडवाइस लेने हम चले ही जाते हैं उनसे मिलने। दीपिका कतरीना आलिया आपके दिल के करीब कौन है वो एक्ट्रेस? एक ही नाम भाई, स्ट्रेट दीपिका। स्ट्रेट दीपिका क्यों? देखो एक रिश्ता रहा है कि भाई हमारे ज़रिए वो लॉन्च हुई थी, और अभी जब एक शो पे उन्होंने ये बात कही कि भाई आई बिलीव्ड इन हर व्हेन नोबडी एल्स डिड एंड शी वाज थैंकफुल, आई फेल्ट कि इट इज़ कम्प्लीटली यू नो, वो तो बहुत मॉडेस्ट थी, बट सच ये है कि हमने नहीं किया था क्योंकि और भी लड़कियाँ लॉन्च हुई, दे वर नॉट दीपिका, सो दीपिका की अपनी मेहनत है। क्या बात है, आप जो क्रिएट करोगे रिक्रिएट करोगे अच्छा ही रहेगा। इतने साल बैटिंग करना लगातार, सिंगिंग से अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके एक्टिंग करना और उस पे अड़े रहना, उसको कहते हैं अंदर का जिगर स्ट्रांग होना। बॉस लेडीज एंड जेंटलमैन, इतिहास बनाने वाला हिमेश रेशमिया और साथ में आपकी होने वाली भाभी सोनिया मान। What? मैं हूं सिद्धार्थ कनन।